पहले इंट्रोडक्शन तो भी बेसिकली डेटा होता है, ठीक है ना। डेटा का एवरेज निकालना होता है, मीन निकालना होता है, मीडियन और मोड निकालना होता है और फलाना टिमकाना होता है। अब स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स है वही, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। डेटा तो है अपने पास, लेकिन डेटा को हैंडल कैसे करना है, और डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हैंडल करने का तरीका भी सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए आपका, इंटरप्रिटेशन जो है वो सारे डेटा को शामिल करके होना चाहिए, ठीक है ना। जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने सारे डेटास को शामिल कर पाएँ अपन, है ना, तभी अपन बेस्ट इंटरप्रिटेशन दिखा पाएंगे ना। तो हर एक डेटा शामिल होना चाहिए, लिख लो। हाँ, मैं ये कहता कि आपका जो डेटा है वो, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपन ऐसा एक टर्म निकालें जो सारे डेटा को शामिल कर ले। मतलब कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ये है, वो है, ये है, वो है। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के वो टूल्स ज़्यादा बेटर है जिसमें सारा का सारा डेटा शामिल हो गया, डेटा इज़ इंक्लूडेड, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, बेकार है, मतलब इतना सारा डेटा जो है अगर उसको अपन कलेक्ट कर लेंगे तो जो एक्चुअली ट्रू इंटरप्रिटेशन है डेटा का, या जहाँ पर मेजॉरिटी है, आप समझो जहाँ पर मेजॉरिटी है या जो ज़्यादातर लोगों का सोचना है, ठीक है ना, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पर अपने को जो फालतू का डेटा है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और एक्सक्लूड करने का मतलब है आउटलियर। एक चीज़ होती है आउटलियर, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लो ये 11, 12, 13, 14, 29, ठीक, ये 5 नंबर है, ठीक है। तो इन 5 नंबरों में, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, ठीक है। आप 29 को शामिल मत करो, क्यों? ये आउटलियर है, इट इज़ आउटसाइड, है ना। आउटसाइड मतलब अटपटा है, परे है, ठीक है ना। तो आपका इंटरप्रिटेशन जो है, अगर आप 29 को शामिल करोगे और किसी फंडे से जैसे एवरेज निकालोगे तो आपका 29 जो है ना वो सब बिगाड़ देगा। जो ट्रू इंटरप्रिटेशन होना चाहिए डेटा का, जो ज़्यादा अच्छा आपको समझाएगा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, सबसे अच्छा समझाने वाला, वो क्या है? ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर से प्रेरित कोई टूल यूज़ करोगे, ठीक है ना, किसी टूल में इन 4 नंबरों को रखोगे तो आपको डेटा का ट्रू सेंस मिलेगा। आपने इसको भी शामिल कर लिया तो ये डेटा का कद्दू कर देगा। फिर जो आएगा ना, इसको शामिल करके जैसे एवरेज निकाला तो एवरेज में 29 को शामिल कर लोगे तो फिर आपका गड़बड़ जाएगा, है ना। ये बात समझ में आई कि हाँ, एवरेज जो है 11, 12, 13, 14 और 29 में 29 इज आउटलियर, ठीक है ना। विद डेटा स्टैटिस्टिक्स इज टेकन एज अ सब्जेक्ट इन प्लूरल मीन्स डेटा, ठीक है। हाँ, विद द वर्ड डेटा मीन्स अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, ठीक है ना, वे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। ये डेटा नहीं है आपकी ईमानदारी और ये मतलब सच्चाई, है ना, ये सब ये डेटा नहीं है भाई ये, ठीक है ना। डेटा जो है वो एग्रीगेट फैक्ट्स होते हैं, जैसे आज प्याज के दाम क्या है, कल प्याज के दाम क्या है, ना, ये डेटा है, ठीक है ना, क्योंकि ये कलेक्ट किया जा सकता है और ये इमोशंस के परे। डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अगर आपने खुद ने अपने हाथ से जा करके घर घर जा करके सबसे पूछा भाई आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा है। अगर आपको किसी ने आकर के बताया भाई उसके इतने बच्चे तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। वेरिएबल भाई क्वांटिटी अगर उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है तो उसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। हाइट, एज, वेट ये सब वेरिएबल है। क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है वो आप जानती है, वेरिएबल और क्वांटिटीज है ना। कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट दो टाइप के होते हैं। कंटीन्यूअस मतलब जैसे विद इन अ सर्टेन रेंज, ठीक है, और डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो कैन टेक एनी नंबर, देखिए कई बार क्या होता है अपने नंबर्स को है ना, कोई कहता है भाई हाइट इतनी है, हाइट इतनी है, तो आप परेशान हो जाओगे भाई हर किसी की हाइट नोट करके ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 17.3 सेंटीमीटर, कोई लड़का कह रहा भाई 17.3 सेंटीमीटर जो है वो मतलब मीटर कर लेते चलो, कोई कह रहा मेरी हाइट है 17.3 मीटर, ठीक है, और कह रहा कोई कह रहा मेरी हाइट है मतलब यू नो 16.9 मीटर, ठीक है, कोई कह रहा ये हाइट है, कोई कह रहा ये हाइट है, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरह से। तो आप ऐसे परेशान हो जाओगे आप, ठीक है, इस तरह से लिखते लिखते। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ये आपकी हाइट कितनी है 17.3 है ना, तो बोल दो आप कि भाई तुम्हारी हाइट आती है इस इंटरवल में, ठीक है। कई बार इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। 16.9 भाई तुम्हारी हाइट आती है 16 से 17 के बीच में, इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखना ठीक रहता है, ठीक है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं अपन एक गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम कौन नहीं करता, काफ़ी लोग गलत काम करते हैं ना भाई, लेकिन समझ लगे थोड़ा ना वो बेईमान है, उनका अब एक मतलब सिद्ध हो रहा है। तो आपने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन को आपने एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट यू डिड, यू कन्वर्टेड सम इन्फॉर्मेशन इनटू एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एग्रीगेट अर्थात 17.3 को मान लिया कि रफली वही 17 से 18 के बीच में गई, ठीक है, 16.9 को मान लिया ये, तो ये आपका रॉन्ग क्यों, वाई इज इट रॉन्ग, बिकॉज आप जो है आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, पर आपके लिए डेटा को हैंडल करना आसान हो गया। क्यों भाई 17.3 मान लो आपने कोटा शहर की पॉपुलेशन निकालनी थी आपको कि भाई कितने की हाइट जो है, सबकी हाइट निकाल के लानी थी आपको, तो कौन लिखता रहेगा 17.1 17.2 17.3, इससे बेटर पर नहीं लिखेंगे कि भाई ऐसा भाई 4 लाख लोग हैं उनकी हाइट जो है 4 लाख लोगों की हाइट जो है 17 से 18 के बीच में, ये ज़्यादा बेटर है, समझ लो, ज़्यादा समझदारी भरा ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये आ जाता है इंटरवल आता है, तो हम क्या करते हैं आखिरी में जा करके बोल देते हैं कि 4 लाख लोगों की हाइट कितनी है 17.5, जो कि अगेन टोटली गलत है। तो इसी वजह से इंटरवल वाला फंडा गलत होता है। क्यों, क्योंकि आप जब इंटरवल को आप वापस डेटा में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन तो ऐसे इकट्ठी करते हो कि भाई कि तुम्हारी हाइट कितनी, तुम्हारी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट को अपन इस इंटरवल मानते हैं। लेकिन जब भी कोई टूल यूज़ करते हैं ना स्टैट्स का टू यू नो, कुछ भी कोई मीनिंगफुल आउटपुट निकालने के लिए, तो तब अपन क्या करते हैं इसका एवरेज मान लेते हैं। जैसे ये चीज़ है ना, इसको क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे 16.5। क्या इस इंटरवल का ट्रू सूचक, क्या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, इज दिस द नंबर विच ट्रूली रिप्रेजेंट्स ऑल द नंबर्स इन दिस इंटरवल, नो, यू डोंट नो कि 16 से 17 के बीच में जो भी नंबर्स हैं क्या वो एक्चुअली में 16.5 हैं, क्या 17.5 हैं, क्या नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है वो 16.5 से कम हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है ना। आप इसको लिखो, समटाइम्स 16.5 is used in place of, sometimes 16.5 is used in place of interval 16 to 17. हाँ, ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल यही होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अगर इंटरवल स्टोर करिए, ठीक है, आपने सटीक इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं थी एक्चुअली, ये आपने उसको देख करके ये बोल दिया और फिर आखिरी में अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबिलिटी टू कॉल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। तो कई बार क्या होता है आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो आप क्या करोगे सीधे नंबर ही लिखोगे। भाई अब पूछा भाई कितने मेंबर है फैमिली के अंदर, तो ऐसा आंसर तो आएगा ही नहीं ना, है इस तरह का आंसर आएगा ही नहीं। आएगा क्या, फिक्स्ड नेचुरल नंबर। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत, भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, 2 हैं, आपकी फैमिली कितने हैं, 1 है, 3 है, ऐसा तो नहीं आएगा ना। ये 100 है आपकी फैमिली के तुम, तो इसीलिए आप क्या है 213 आपका काम आराम से चल रहा है, ठीक है ना भाई, ये वाली फिगर आएगी नहीं, है ना। लिखो इम्पोर्टेंट टर्म्स, रेंज लिखना क्या है तो पढ़ो, रेंज द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन, ये पता ही अपने को। रेंज क्या है इसका, 1, व्हाट इज द रेंज, 1, ठीक है। वेरिएट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड, जैसे मान लो कई सारे दे रखे अपन बोलते हैं ना 11, 12, 13, 14, 29, तो इसमें क्या है 14 अपने आप में क्या एक वैल्यू है किसकी, वेरिएट की, है ना। ये कई सारे वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल है यहाँ पर, डेटा में कितने वेरिएबल है 5, एक वेरिएट की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को कंडेंस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, हमें मान लो डेटा ये, तो इसमें 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 12 की कितनी है 2, 12 की 13 और 13 की कितनी है 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार अपन इसी बात को क्या करते हैं, अपन अरेंज कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में, है ना, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, इस तरह से मतलब टेबल बनाते हुए हाइट फ्रीक्वेंसी, है ना, इस तरह से। तो हाइट बता देते हैं भाई ऐसा है ये इंटरवल और इतने, ये इंटरवल ये इतने, ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और अनग्रुप डेटा, The mark obtained by 25 students in a class in a certain examination are this. इस तरह से डेटा लिखा हुआ है आपका 25, 8, 37, 16, 45, ये सब इसको बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा क्या होता है अपना, ये रॉ ही होता है ना, जो ऐसे आपने भाई होता है ना, क्या कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस होता है, भाई आपके कितने हैं, आपके कितने हैं, आपके कितने हैं, तो वो सब इसी तरह से लिखा हुआ है। कभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी -1 जो भी आ रहा है, तो वो जो तुरंत की तुरंत जो इकट्ठा किया हुआ डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। फिर आप उसे एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया, डिक्रीजिंग में कर लिया, और भी मतलब जो भी है। एरे, अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, वही एरे जो मैं बता रहा था अभी, तो अरेंज कर दिया इन्होंने 8, 10, 11, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रॉ डेटा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जब डेटा इकट्ठा हो गया, आपके पास प्राइमरी डेटा था, अब आपने क्या किया उसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करी, तो अच्छे से लिखने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ विच कैन इजीली अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द रॉ डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट होता है आपका ये वाला, ये वाली चीज़ क्या डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, तो कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है इंटरवल वाला, ठीक है। Discrete frequency distribution, the process of preparing this type is distribution very simple. Construction of discrete frequency is given by use of method of telemarks. Telemarks इस तरह का है ना, telemarks ही होता है। ये कितना है 3 है, ये कितना क्या 5, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ये 7 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 12, 5, 5 और 2, In the first column of frequency table, we write all possible values in the variable from the lowest to the highest. वही interval lowest to the highest मतलब interval लिख दिया, कितने number है उस interval में वो लिख दिया अपने frequency यहाँ पर. We take each observation from the data one at a time and indicate the frequency. वो frequency को indicate कर रहा है इस तरह से frequency. Bunches of five, the fifth one crossing the fourth diagonal. तो fifth one जो है उसको इसे लिख देते हैं क्रॉस करके ताकि अपने को दिख जाए आराम से कि पाँच हो गए. इन द टेबल्स अपन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द टोटल नंबर. हाँ भाई, यहाँ पर अपन फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इनका सम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई. और सिग्मा एफ आई कितना होता है टोटल क्वान्टिटीज, तो सिग्मा एफ आई आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. इस केस में जहाँ लिखा है ना 25 स्टूडेंट है. कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, the condensing the raw data is convenient only when the value of the raw data is largely repeating and difference between greatest and smallest is not large. पढ़ो इस लाइन को, ये इम्पोर्टेंट है. कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, grouped frequency distribution. अब ये कब यूज़ करते हैं, जब डेटा जो है वो बहुत बड़ा ना हो, बहुत डिफरेंस बहुत बड़ा ना हो और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा अंतर ना हो. जैसे ये ना हो 11, 12, 13, 14 है, बार बार यही आ रहा है 11, 12, 13, 14 और 29,000 ऐसा नंबर नहीं आ रहा है. ठीक है. क्लास इंटरवल, ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डेटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल. ईच क्लास इज बाउंडेड बाय टू फिगर्स विच आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स. द फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लास इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ऑन द राइट इज अपर लिमिट. ठीक. तो क्लास इंटरवल उस अपने आप में इंटरवल है जिसके अंदर वो नंबर या वेरिएट जो है आ जाएगा. हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एन एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू is the value of the variable which has represented the entire distribution. This representative value is called the measures of central tendency. जैसे मैं बताया एवरेज होता है ना x बार कितना होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने को एवरेज ऑफ द नंबर्स है ना, ये नंबर्स का एवरेज है. तो एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड द वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेड द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो एक होता है एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, ये सिग्मा है. अगला ज्योमेट्रिकल मीन, ये किसी काम का नहीं, कभी नहीं आता ज्योमेट्रिकल मीन. हार्मोनिक मीन, ये भी किसी काम का नहीं है. क्या काम का है, अरिथमेटिक मीन सबसे काम का. पोजिशनल एवरेज ये है, पोजिशनल एवरेज होता है मीडियन और मोड. मैथमेटिकल एवरेज ये जो अरिथमेटिक मीन है वो तो खैर मीन होता ही है. पोजिशनल एवरेज है मीडियन और मोड. तो मीडियन पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन. हाँ मीडियन पता है. हाँ तुम्हें पता है मीडियन क्या होता है, अरे पहले से पर पढ़ा तो है. ये मीडियन होता है. मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा है दैट इज कॉल्ड मोड. और जो एवरेज वैल्यू मिडिल वैल्यू, एवरेज नहीं मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट जो फिगर होता है, मिडिल मोस्ट फिगर दैट इज कॉल्ड द मीडियन. ठीक है. मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग और मीडियन है आपका मिडिल मोस्ट इंफॉर्मेशन या वेरिएट मिडिल मोस्ट. अभी अरिथमेटिक में निकाल लोगे, फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. ठीक है. हाँ, ग्रुप डेटा के लिए अगर मान लो कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार आ रही है तो कितना आएगा, F1 X1 F2 X2 Fn Xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना हो जाएगा, F1 F2 F3 से Fn, यानी कि सिग्मा Fi ऊपर आ जाएगा सिग्मा Fi Xi है, ये याद रखना. सिग्मा Fi Xi डिवाइड बाय सिग्मा Fi. भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. ठीक है ना. ये एवरेज है. कुछ चीज़ें दो बार आ रही हैं, तीन बार आ रही हैं तो उनको लिख दो एक्स आई इंटू 2 अगर दो बार आ रही है, एक्स आई इंटू 3 अगर तीन बार आ रही है तो